हाँ तो भाई माशाल्लाह से जो हमारे बच्चे हैं कबूतरों के, इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े होना शुरू हो गए हैं। अब तो माशाल्लाह ये उड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, उड़ते हैं इधर बैठ जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, मतलब खुद ही घूमना फिरना शुरू कर दिया है। और माशाल्लाह इनके इस बार मैंने पर बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है, तो भाई बहुत अच्छे से ही उड़ते फिर रहे हैं। ना तो मैंने मेगा केज वालों के पर कटिंग की है, ना इधर से मैंने इनके पर को कटिंग किया, और वो देखो बच्चा ऊपर उड़ के बैठ गया ना। इनके पर नहीं कटिंग करने, बिल्कुल भी परों को नहीं काटेंगे, या तो हम इनके टेप कर देंगे, इनके पर जो है टेप से बांध देंगे। वो देखो दूसरे वाला भी बैठ गया, माशाल्लाह बड़े बड़े पर हैं, अभी थोड़े थोड़े से छोटे भी हैं। इनका बाप है वो इसको थोड़ी बहुत फीड भी करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर भाई इन्होंने खुद खाना पीना शुरू कर दिया। पानी इनके पास पड़ा है वो भी और डालते हैं, और बाजरा भी इनको और नया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे खुश होंगे। तो यार सेटअप पर आ चुके हैं, और माशाल्लाह से भाई अभी तक हमने अपने पिजन्स को देखा है जो कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और अभी चलते हैं मेगा केज के अंदर और चल के देखते हैं भाई हमारी चुटकू जलेबी जो है इन्होंने कोई गुड न्यूज़ दी है या नहीं दी। अब तो भाई पूरा का पूरा मेगा केज जो है ना, एक तो हमारे चुटकू जलेबी का है, और साथ में भाई हमारी सिर्फ और सिर्फ रैबिट्स का है, क्योंकि जो हमारे बाकी बर्ड्स वगैरह हैं, जो बजीज हैं और जो कबूतर हैं, ये तो भाई ऊपर घूमते फिरते रहते हैं, और जो नीचे का सारा एरिया ना, ये हमारे भाई चुटकू जलेबी यूज़ करते हैं। और यार ये जो एक डव है ना, ये मुझे बिल्कुल भी यार ठीक नहीं लगती है, इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये ऐसे भागती फिरती है, उड़ती नहीं है यार ये इतना ज़्यादा। इधर आना मेरे पास, मुझे दिखाना कैसे हो, इधर आओ। हाँ हाँ आपको तो नहीं कुछ कह रहा, ये देख लो इतना ज़्यादा उड़ती नहीं है यार, इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये डरी हुई है बहुत ज़्यादा यार, ये डरी हुई है, इसको पता नहीं कोई मारता है। ये ऊपर की तरफ जब जाती है इसको भी मुझे लगता है मार पड़ती है। ये देखो उड़ नहीं रही है, ये सिर्फ भागती है। ये मेल है या फीमेल है, एक तो इनका ये भी नहीं पता चलता है ना, इसका यार मुझे चेक करना पड़ेगा बेचारे को क्या हुआ है, क्या मसला है, या इसका पर पूर डैमेज है, मुझे देखना पड़ेगा। ये देखो नीचे गिर गया, मतलब उड़ नहीं रहा, इसको भाई जरूर किसी ने मारा होगा, ये ऊपर की तरफ गया होगा, या वाइट वालों ने मारा है। और जैसे वो देख रहे हो भी, देख रहे हो उसके काम, देख रहे हो कैसे नीचे आने को कर रहा है, ये यकीनन भाई यही मारता होगा, वो फीमेल होगी और ये मेल होगा, ये तंग करता होगा। खैर इनका भी भाई कोई प्रॉपर इलाज वगैरह करते हैं, ऐसे तो भाई यार बिल्कुल भी नहीं, ना ये व्हाइट वाले अंडे दे रहे हैं, ना हमारे ब्राउन डव अंडे दे रहे हैं, ना बजीज अंडे दे रहे हैं, कोई इनका प्रॉपर सिस्टम लगाते हैं। दूसरा यार माशाल्लाह से ये जो बच्चे हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और यहाँ पर यार ये बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहे, तो मैंने क्या सोचा कि इन सबको पकड़ते हैं और बाहर पिजन केज में शिफ्ट करते हैं, ताकि जो हमारे सारे के सारे बजीज हैं ना वो सारे एक साथ हो जाएं। इधर से ये वाला भी और दो ये वाले भी, इन तीनों को पकड़ते हैं और बाहर लेकर चलते हैं। और ये चेक करो भाई, हाँ मुझे पता लग गया, ये आप तंग करते हो माशाल्लाह से, ये वाइट वाला भाई मेल है, और पक्की बात है वो जो दूसरी है वो फीमेल होगी। ये भाई तंग करते हैं इसको, देख रहे हो वो भाई बिल्कुल भी नहीं उड़ रही है। खैर कोई ना यार, इनको फिरने देते हैं, हम अपना कबूतरों को पकड़ते हैं एक एक करके और लेके इनको चलते हैं बाहर पिजन्स केज के अंदर, और वहां पर इनको छोड़ देते हैं। हमारे चुटकू जलेबी के यार काम चेक करो, कैसे मुझसे डर के यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। खैर यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई, इनको मैंने मेगा केज से बाहर नहीं निकाला, ना बाहर की इनको हवा लगवाई, इन्होंने भाई आसमान को देखा, खुली फिजा में गए एक दफा भी। इनको भी लेकर जाएंगे बाहर, अभी धूप है तो एक दफा बाद में इनको भी बाहर लेकर जाएंगे, बाहर का मोल शोल इनको दिखाते हैं, ताकि ये भी भाई खुश हो जाए। तो भाई कौन सबसे पहले चलेगा मेरे साथ, भाई आ जाओ आ जाओ, एक मेरे पास आ जाए, सबसे पहले एक मेरे पास आ जाए, उसको फिर हम लेकर चलते हैं बाहर पिजन्स केज के अंदर। आ जाओ आ जाओ भाई, सबसे पहले व्हाइट वाले को पकड़ते हैं, ये माशाल्लाह से भाई बहुत ज्यादा एक्टिव है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, डरना नहीं है मेरे से, इतना डरना नहीं है। और इनके पर भाई माशाल्लाह बड़े बड़े इनके पर हो चुके हैं, तो मुझे भाई काबू करके रखना पड़ेगा, आगे सीधा पिजन्स केज के अंदर छोड़ते हैं। यहाँ पर भाई बच्चे अपने मेल से भाई फीड वगैरह ले रहे हैं, चेक करो कैसे पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो भाई इसके पास आने के चक्करों में, माशाल्लाह यार कितना ज्यादा प्यारा है ये बच्चा। तो खैर अभी इसको छोड़ते हैं, बाकियों को भी लेकर आते हैं। 3, 2, 1 चलो जी। अभी भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशे लगने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये भाई नए हैं और बाकी सारे तो यहाँ पर भाई पुराने हैं, एडजस्ट हुए पड़े हैं, और ये यहाँ पर न्यू आया है पहले। हत्ता के बच्चा ये वाइट वालों का ही है, वो फीमेल और ये वाइट मेल, ये इन्हीं का ही बच्चा है, लेकिन भाई काफ़ी टाइम बाद आया है, तो एक दफ़ा इसको भी नहीं इन्होंने एक्सेप्ट करना, ना इसको समझ आएगी। तो मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ, बाकी दोनों को भी पकड़ता हूँ और यहाँ पर छोड़ता हूँ। हाँ तो भाई माशाल्लाह यार कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पर भाई, अब रश ही रश हो गया, कितने ज़्यादा सारे अच्छे लग रहे हैं। हमारे सारे के सारे कबूतर भाई हमने एक साथ छोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और अभी इनके लिए भाई न्यू घर वगैरह लगाते हैं, ताकि ये सारे भाई जल्दी जल्दी से एडजस्ट हो जाएं। माशाल्लाह दो बच्चे और आ गए हैं, और ये तीन हमारे पास जो मेगा केज में फिर रहे थे, तो अब माशाल्लाह से भाई काफ़ी अच्छा है। और वो देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दफ़ा लड़ेंगे लेकिन इंशाल्लाह भाई ये बहुत जल्दी सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। और इनके लिए न्यू नेस्टिंग बॉक्स भी लेकर आएंगे, वो भी लगाते हैं।
और मुझे लगता है वो जो व्हाइट वाला है ना वो भी मेल है, इधर से ये वाला मेल है, ये वाला मेल है, ये हमारी फीमेल है। तो यार ये सारे के सारे भाई कबूतर आप लोगों के सामने, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि भाई कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। यार सारे के सारे कबूतरों को भाई एक साथ कर दिया, सिर्फ इसीलिए किया है ताकि भाई इनकी दोबारा से ब्रीड ली जा सके। मेगा केज बहुत बड़ा सारा है और ये कोई कहाँ पर घूमता है कोई कहाँ पर फिरता है। तो अब ये सारे के सारे भाई माशाल्लाह से इकट्ठे हो गए हैं, एक दफा तो इन्होंने भाई बहुत ज्यादा लड़ना है, लेकिन खैर कोई ना यार इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पर कोई स्टिक्स वगैरह लगाते हैं ताकि ये जिस पर इजीली बैठ सकें, क्योंकि अभी ये इस घर पर बैठेंगे तो ये वाइट वाले मारेंगे, उस घर पर बैठेंगे तो ब्लैक वाले मारेंगे। खैर कोई ना, हम जरा न्यू घर वगैरह लगाते हैं। और माशाल्लाह हमारे पास पता है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माशाल्लाह हमारे पास 9 कबूतर हो चुके हैं। 2 अंडे वहां पर हैं, 2 अंडे वहां पर हैं, तो इंशाल्लाह भाई काफी सारे हो जाएंगे। और वो देखो फीमेल के साथ कैसे लड़ रहा है मेल, हत्ता कि इसकी अपनी फीमेल है। और अभी यहाँ पर हमारे पास 2 कबूतर यहाँ पर हैं, और ये जो है ना यार ये मैंने इनको अलग पता है क्यों किया था, ये सिर्फ इसीलिए अलग किए थे ताकि भाई इनका पेयर लग सके। ये जब पहले वहाँ पर इकट्ठे थे तो इनका भाई पेयर नहीं लग रहा था, और ऐसे अभी मैंने इनको अलग किया तो इनका माशाल्लाह से प्रॉपर पेयर लग चुका है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इनको यहाँ पर फिरने दें या इनको भी पिजन्स केज के अंदर शिफ्ट कर दें। अक्की माशाल्लाह से हमारी मुर्गी बहुत अच्छे से बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा इसने कोई अंडा वगैरह नहीं खाया। एक भाई ने मुझे कमेंट में बताया था कि इसके पास बाजरा और पानी हर टाइम पड़ा रहने दें, तो मैंने बाजरा फुल भर के रख दिया, पानी भी रख दिया। और माशाल्लाह ये मुर्गी और इसके 6 के 6 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और हमारा शूटर और वाइट असील मुर्गी दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी भाई ये जंगली सी प्यारी सी मुर्गी भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके तीनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक भी हैं। और यहाँ हमारी भाई चूचू गैंग आ जाती है, असील गैंग 5 बच्चे जो कि इस वाइट असील मुर्गी के। चलते हैं भाई देसी मुर्गियों के पास, इनको भी देखते हैं इन्होंने कोई अंडा वगैरह दिया है। हाँ भाई कोई अंडा वगैरह दिया है, क्यों नहीं अंडा देते हो मुझे बताओ ना, मेरे पास आओ, क्या बात है क्यों अंडा नहीं देते हो, हैं अंडा क्यों नहीं देते हो? ना वो वाली मुर्गी दे रही, ना एक जो न्यू मुर्गी ने अंडे देना शुरू की तो वो भी नहीं अंडे दे रही है। पता नहीं यार ये क्यों अंडे नहीं दे रही है, इनके साथ क्या मसला है? अंडे पहले दे रही थी, अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये भाई इन्होंने अंडे देना ही छोड़ दिए हैं, और आज का भी कोई अंडा नहीं आया। और ये हमारे पास 3 चूचू हैं माशाल्लाह से, एक असील है, 2 देसी मुर्गियां हैं हमारे पास। जब ये बड़ी हो जाएंगी, वो मुझे काटती हैं यार काटती है, खैर कोई ना यार, जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे उनको भी भाई इन्हीं के साथ यहाँ पर छोड़ देंगे। माशाल्लाह से यार इनका बच्चा आ चुका है, बड़ा सारा भी हो रहा है, और जब ये फुल बड़े हो जाए तो हम इनको यार उस बड़े वाले पिजन्स केज के अंदर छोड़ दें या इनको यहीं पर रहने दें, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताना है। तो यार फाइनली भाई माशाल्लाह से काफी सारे हमारे पास कबूतर हो चुके हैं, और उन सबको इकट्ठा भी कर दिया ताकि भाई इनकी दोबारा से ब्रीड ली जा सके। जो 3 बच्चे मेगा केज के अंदर थे उनको भी हम बाहर शिफ्ट कर दिया है, और माशाल्लाह से एक वो ये वाला है, एक ये जो अभी ऊपर की तरफ बैठा है 2, और एक वो जो ऊपर चल के बैठ गया 3। माशाल्लाह से 3 ये हो गए हैं। और ज़रा स्टिक्स वगैरह लगाते हैं काफ़ी सारी ऊपर की तरफ करके, ताकि ये अपना इजीली भाई आराम से बैठ सकें, क्योंकि अभी ये जो वाइट वाला पेयर है ये भी नहीं बैठने देगा, इधर से ये वाला पेयर है ये भी नहीं बैठने देगा। यार मुझे कमेंट्स में बताना है कि भाई ये हमने ठीक किया या नहीं किया, या इनको वापस से मेगा केज के अंदर छोड़ दें। यार मुझे तो भाई बिल्कुल ठीक लगा है, क्योंकि एक साथ जब ये फिरेंगे तो भाई दोबारा से इंशाल्लाह ये पेयर लग जाएंगे और इनकी ब्रीड ले सकेंगे। नेस्टिंग बॉक्स हम ले आएंगे काफ़ी सारे, वो भी लाकर भाई इनके लिए लगा देंगे ताकि ये भाई अपना घर चूज कर सकें और ब्रीड वगैरह कर सकें। और दूसरा यार ये जो हमारे पास ब्राउन वाला पेयर है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये ब्राउन वाला जो पेयर है हम इसको यहीं पर रहने दें, इसको भी यहाँ से उठाएं और इधर पिजन केज के अंदर छोड़ दें, ताकि भाई जो हमारे सारे के सारे कबूतर हैं भाई सारे एक साथ हो जाएं और जो भाई अच्छे से ये ब्रीड वगैरह कर सकें। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताना है कि हम हमारे ब्राउन वाले जो कबूतर हैं उनको भी यहाँ पर छोड़ दें या उनको वहीं पर ही रहने दें। तो आज की इस वीडियो को यार यहीं पेंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना। मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।